सप्लाई एनालिसिस चल रहा था। ओके, अभी हमने देखा था सप्लाई क्या होता है। सप्लाई इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट अ सेलर इज विलिंग टू सेल एट अ पर्टिकुलर प्राइस लेवल, उसको बोलते हैं सप्लाई। अब सप्लाई के अलावा हमने दो और कॉन्सेप्ट किया था, वो है स्टॉक और टोटल आउटपुट। हमने तीनों का रिलेशनशिप भी समझा था। लेट्स अंडरस्टैंड वंस अगेन, फटाफट एक रिकैप दे देता हूँ। टोटल आउटपुट क्या होता है? इट इज द टोटल वैल्यू ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस्ड। कितना आउटपुट, कितना प्रोडक्शन हुआ, उसको बोला जाता है टोटल आउटपुट। ओके, एंड दिस प्रोडक्शन हैपेंस विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। द क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड इन द मंथ या इन अ ईयर, वो हो जाएगा टोटल आउटपुट। आउटपुट इज बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, एंड आउटपुट दैट इज प्रोडक्शन लीड्स टू कंजम्पशन। जब गुड्स बनेगा तो कंजम्पशन होगा, गुड्स प्रोड्यूस ही नहीं होगा तो कंजम्पशन भी नहीं होगा। ओके, फिर जैसे जैसे आज हमारे जीवन में वी आर सीइंग सो मेनी गुड्स। अभी देखोगे वो सैनिटाइजर है, वो जो ऐसा पैर से अपन दबाते हैं तो सामने से सैनिटाइजर निकलता है। तो ये सब क्या है? गुड्स है, जिसका प्रोडक्शन हो रहा है, लोगों को जम रहा है। ओके, एंड दैट इज वाई दे आर कंज्यूमिंग इट ऑल्सो। सो आउटपुट इज द प्रोसेस जहाँ पे हम इनपुट्स को यूज करते हैं एंड वी मेक इट इंटू फाइनल प्रोडक्ट्स। उसके बाद है स्टॉक। स्टॉक इज द क्वांटिटी ऑफ गुड्स विच इज अवेलेबल फॉर सेल विद द सेलर। कितना सामान, कितने गुड्स, बने हुए गुड्स हमारे गोडाउन में पड़े हैं, वो होता है स्टॉक। स्टॉक हमेशा सप्लाई से ज्यादा होता है। जरूरी नहीं है पूरा स्टॉक अपन बेच देवे, समझा? जरूरी नहीं है पूरा स्टॉक बेच देवे। हम लोग के पास स्टॉक होते हैं, जैसे आम वाले के पास स्टॉक होते हैं 100 डजन, 50 डजन, लेकिन रोज बेचने निकालते खाली 10 डजन, 12 डजन। ओके, स्टॉक ज्यादा होगा बट ही विल वॉन्ट टू सेल अ लेसर अमाउंट ऑफ रेट, लेसर अमाउंट ऑफ गुड्स, बिकॉज मे बी वो टाइम पे प्राइस इतना ज्यादा नहीं होगा, या उसके पास फ्यूचर के लिए उसको स्टॉक जमा कर रहा है वो, वॉट एवर रीजन। योर स्टॉक जनरली इज मोर देन द सप्लाई। क्योंकि सप्लाई क्या होता है? द क्वांटिटी ऑफ गुड्स जो एक्चुअली लोगों में बिक रहा है। और स्टॉक क्या होता है? द क्वांटिटी ऑफ गुड्स विच इज देयर विद द सेलर। समझ आया? तो स्टॉक को पोटेंशियल सप्लाई बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पोटेंशियल सप्लाई। क्योंकि अगर कोई चीज का स्टॉक है तो सप्लाई हो सकता है, अगर स्टॉक ऑफ गुड्स ही नहीं है तो सप्लाई भी नहीं हो सकता। समझी इस बात? ओके, बट स्पेसिफिकली लेकिन वेजिटेबल्स जैसे चीजें या जो फिश जैसी चीजें रहती है, ये सब क्या है? पेरिशेबल गुड्स। तो पेरिशेबल गुड्स में जितना स्टॉक रहता है उतना सप्लाई भी रहता है। मतलब एक सब्जी वाला घर से निकलता है 10 किलो लेके, वो पूरा 10 किलो सप्लाई भी करता है। फिर अगले दिन वो सुबह को जाता है और कहाँ से और सब्जी लेके आता है 10 किलो, फिर अगले दिन वो खत बेच देता है। सो बेसिकली जनरली फॉर पेरिशेबल गुड्स जो क्वांटिटी सप्लाइड है और जो स्टॉक है वो सेम होता है। बट फॉर ड्यूरेबल गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स जैसे टीवी, अब तुम देखोगे क्रोमा के गोडाउन में 100 टीवी है, लेकिन वो लोग बाहर बेचने को लगाते कितना है? 10 टीवी भी नहीं लगाते। तो तुम क्या झगड़ा करोगे? तुम झगड़ा करोगे उससे, बाकी टीवी क्यों नहीं रखा? अरे उसको वो टाइम पे नहीं बेचना है, या उतना डिमांड ही नहीं है इसलिए स्टॉक में पड़ा है वो सामान। समझा? सो फॉर ड्यूरेबल गुड्स द सप्लाई कैन बी लेसर देन। वो लोग बाहर तो बस रखेंगे पर वो लोग 20 को ऑर्डर भी लेते हैं ना। हाँ, 20 का भी ऑर्डर लेते हैं। एग्जैक्टली। एंड बट दूसरा क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि अगर गर्मी गर्मी का टाइम के अलावा तुम देखो, अगर विंटर का टाइम है, रेनी सीजन का टाइम है, जब डिमांड फॉर एसी वो सब कम होता है, और वो लोग ऑल्दो दे आर केपेबल ऑफ सेलिंग मोर गुड्स, वो लोग क्या करते हैं? कम ही स्टॉक निकालते बेचने को। स्टॉक वो समर के लिए रखते हैं कि चूंकि वैसे ही द बाय प्राइस ड्यूरिंग विंटर एंड एनी सीजन फॉर एयर कंडीशनर वो सब सस्ता होता है। सो दे डू नॉट वॉन्ट टू सप्लाई एट हायर रेट और लोअर रेट, सॉरी। कभी कभी होता है कि क्रोमा तक मैन्युफैक्चरर पहुँचाता ही नहीं है गुड्स। ओके, जो अपना मेन टाटा है, क्रोमा टाटा का कंपनी है, तो वो लोग अपना शॉप तक पहुँचाते ही नहीं है गुड्स, वो लोग सप्लाई नहीं करते। ऑल्दो स्टॉक में रेडी पड़ा है, वो लोग सप्लाई नहीं करते बिकॉज उनको इतने सस्ते में बेचना ही नहीं है अपना प्रोडक्ट। ओके, एंड दे हैव द पावर, दे ऑल्सो हैव द कैपेसिटी टू स्टोर इट, क्योंकि वो ड्यूरेबल गुड्स है। उसको और 2 महीना स्टोर करेगा, बिकेगा नहीं, चलता है, खराब नहीं होता।
इसलिए ड्यूरेबल गुड्स का स्टॉक ऑफ गुड्स ज्यादा होता है कंपेयर टू व्हाट दे आर विलिंग टू सप्लाई. समझ आया सबको? जो हाँ कोई क्वेश्चन है ना. ठीक है. फिर इंडिविजुअल सप्लाई तो सप्लाई का डेफिनेशन कर चुके हैं. इंडिविजुअल सप्लाई द क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट अ सिंगल सेलर एन इंडिविजुअल सेलर इज विलिंग टू सेल इन द मार्केट इज नोन एज इंडिविजुअल सप्लाई. मार्केट सप्लाई क्या होता है? द टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स, द टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट ऑल द सेलर्स आर विलिंग टू सेल एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम एट डिफरेंट प्राइसेस, उसको बोला जाता है मार्केट सप्लाई. ओके, अब पढ़ेंगे हम लोग डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई. व्हाट आर द वेरियस थिंग्स दैट अफेक्ट द सप्लाई. क्या क्या चीजें है जो सप्लाई को अफेक्ट करेगी? सबसे पहला तो है प्राइस. एज अ सेलर, ओके, एज अ सेलर, एज अ प्रोड्यूसर, तुम ही सोचो तुम्हारा प्रोडक्ट तुम चाहोगे 50 रुपए पे ज्यादा बेचना कि 20 रुपए पे ज्यादा बेचना. ऑब्वियसली 50 रुपए पे ज्यादा बेचना. तो प्राइस इज द फर्स्ट एंड मोर फैक्टर, फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस द क्वांटिटी सप्लाई. जितना ज्यादा प्राइस उतना ज्यादा क्वांटिटी सप्लाई. ओके, एंड जितना कम प्राइस उतना कम क्वांटिटी सप्लाई. ओके, सो इससे मैं कह सकता हूँ दैट अनलाइक डिमांड, अनलाइक डिमांड, प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई में कैसा रिलेशनशिप है? डायरेक्ट रिलेशनशिप है. डिमांड में क्या था? इनवर्स रिलेशनशिप था. ओके, इनडायरेक्ट था, यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप है. नेक्स्ट क्या है, और क्या चीजें है जो सप्लाई को इन्फ्लुएंस करती है? अब प्राइस के अलावा दूसरी चीजें भी होती है, जैसे टेक्नोलॉजी. अब तुम ही देखो, कोई अगर तुम्हारा टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट हो गया, तुम्हारा सेलिंग प्राइस था मान लो 50 रुपये वो प्रोडक्ट का, अब तुम टेक्नोलॉजी लेके आए, वो प्रोडक्ट को तुम फास्टर एंड चीपर बना सकते हो. जो तुम्हारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पहले 40 रुपीज था और तुम 50 में बेचते थे, अब तुम्हारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 30 रुपीज है और तुम 50 में बेच रहे हो. तो सेलर का तुम देखोगे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गया ना. पहले वो 10 रुपया कमाता था आफ्टर सेलिंग एट 50 रुपीज, अब अभी भी वो 50 में ही बेच रहा है बट वो 20 रुपया कमा रहा है, उसका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गया. देयरफॉर उसका सप्लाई भी वो बढ़ा देगा, समझा? बिकॉज कंपेयर टू प्रीवियसली ऑन द सेम सेलिंग प्राइस ही वॉज अर्निंग 10 रुपीज, नाउ इज अर्निंग 20 रुपीज, समझा? तो उसका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रहा है, देयरफॉर द सेलर इज विलिंग टू सप्लाई मोर गुड्स एट द सेम प्राइस. समझा? ये क्या हो जाएगा? इट विल लीड टू एन इंक्रीज इन सप्लाई. समझ आया? अब ये टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट के जैसा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया तो तुम सोचो, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया तो तुम्हारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस मोर और लेस सेम रहता है. ओके, सो अगर प्रॉफिट तुम्हारा कम हो गया एज अ प्रोड्यूसर और एज अ सेलर, तो विल यू वॉन्ट टू सप्लाई गुड्स? नो, यू विल रादर वॉन्ट टू सेल अदर गुड्स जहाँ पे तुम्हारा प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है, समझा? सो एज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर प्राइस मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. तो अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस बढ़ जाता है तो ऑब्वियसली तुम्हारा प्रोडक्ट एक्सपेंसिव हो जाता है, बनाने में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही बढ़ जाता है, देयरफॉर तुम्हारा सप्लाई कम हो जाता है, बिकॉज तुम्हारा प्रॉफिट नहीं उल्टा लॉस हो रहा है ये प्रोडक्ट में अभी, जब तक तुम सेलिंग प्राइस नहीं बढ़ाओ. और वो तो कहा ही है, अगर प्राइस सेलिंग प्राइस बढ़ गया तो सप्लाई तो बढ़ ही जाएगी. समझा सबको? किसी को कुछ पूछना है प्लीज पूछो, आगे बोलो. नहीं सर. समझा ठीक. अब नेक्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज. जो इंडिया में कम है,
चाइना में ज्यादा है इसलिए वहां पे मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होता है, वहां पे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स ज्यादा सप्लाई होता है, सिंपल ऐसा है। इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन पावर, ओके, ये सारी चीजों का एक कंट्री में होना तुम्हारे प्रोडक्शन एक्टिविटी को काफी इन्फ्लुएंस करता है, एंड सिंस वो प्रोडक्शन एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करता है वो सप्लाई को भी इन्फ्लुएंस करता है। सीधा सा बात है, इंडिया में ये सारी चीजें अच्छे से नहीं है, इसलिए प्रोडक्शन ऑफ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स जैसे स्पेयर पार्ट्स हो गया, गाड़ियां हो गई, कैपिटल गुड्स हो गए, मशीनरी हो गई, ये सब का मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में एक्सपेंसिव होता है। और अगर इंडिया में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है तो सप्लायर का प्रॉफिट कम रहेगा, और अगर सप्लायर का प्रॉफिट कम रहेगा उसका सप्लाई लेस होगा, समझा? देयरफॉर सच गुड्स आर नॉट मैन्युफैक्चर्ड एंड सप्लाई मोर इन इंडिया because the sellers are not willing to sell in from India because of the fact that there is no infrastructure facility in the country. फिर उसके बाद है government policy. Favorable government policies supply को encourage करती है and unfavorable policies discourage करती है. अभी यहाँ पे favorable policy का example क्या है, अभी government है ना बहुत सारा subsidies देता है, अगर तुम्हें बताओ ये क्या है वो, आप आत्मनिर्भर भारत चालू है अपने इंडिया में, ओके, आत्मनिर्भर भारत में हो क्या रहा है, द गवर्नमेंट इज पुशिंग बिजनेसेस टू रिलाई लेस ऑन इम्पोर्ट्स, ठीक है, एंड कम आउट विद सॉल्यूशंस विच यू नो विच कैन बी यू नो प्रोड्यूस्ड यूजिंग इंटरनल रिसोर्सेज ओनली। गवर्नमेंट ने काफ़ी पैसा खर्च कर रही है इन MSME सेक्टर, जहाँ पे यू नो वर्ल्ड बैंक से भी लोन वोन लिया हुआ है कि 700 मिलियन कुछ तो मिला है वर्ल्ड बैंक से और MSME, ओके, MSME मतलब मीडियम स्मॉल सॉरी माइक्रो मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, ओके, ये वो बिजनेसेस रहते हैं जैसे जो किराने के दुकान हो जाते हैं, छोटे छोटे फैक्ट्रीज है दहीसर में बोईसर में, इतने जो छोटे छोटे ऐसे बिजनेस है जहाँ पे ना 50 लोग 5 करोड़ से लोअर कैपिटल रहता है या 10 करोड़ से लोअर कैपिटल रहता है, ये सब MSME सेक्टर होता है। इंडिया में बहुत ज़्यादा है MSME सेक्टर, इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो, सो हम लोग क्या करें, गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू पुश ये आत्मनिर्भरता, ओके, थ्रू दीज MSME सेक्टर्स, इट इज पुशिंग दीज सेक्टर्स दीज कंपनीज टू एंगेज इन प्रोडक्शन एक्टिविटीज यूजिंग इंटरनल रिसोर्सेज टू मेक क्वालिटी प्रोडक्ट्स विच कैन बी सोल्ड टू पीपल ऑफ इंडिया एंड पीपल ऑफ इंडिया वुडंट डिमांड फॉरन रिसोर्सेज, समझ आया, फॉरेन गुड्स का डिमांड कम हो जाए एंड इंडियन गुड्स का डिमांड बढ़ जाए, ओके, सो अभी अगर तुम MSME का कंपनी है इसके चक्कर में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो बढ़ने ही वाला है, क्या बोल रहे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो बढ़ने वाला ना, तो दैट इज वेयर दे आर ट्रेनिंग ना MSME पे खर्चा इसी जगह पे कर रहे हैं ना कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो, बिकॉज अंटेन एंड अननेस हम लोग का इंडिया का प्रोडक्ट चीपर नहीं होगा फॉरेन प्रोडक्ट से, कंज्यूमर क्यों खरीदेगा हमारा प्रोडक्ट, तुम ही सोचो ना, आज ईयरफोन खरीदते अपन चाइना का क्यों खरीदते, क्यों 100 रुपए में देता, इंडिया का कोई भी फालतू ईयरफोन भी 200-250 रुपए का, समझा? सो यहाँ पे गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग गिविंग देम सब्सिडी कि भाई हम डिस्काउंट देते हैं, रॉ मटेरियल सस्ते में देते हैं आपको, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कम करके देंगे आपको, टैक्स हॉलीडे देंगे, आप यहाँ पे फैक्ट्री लगाओ प्लीज गुड्स बनाओ सस्ते में बेचो सर। अगर गवर्नमेंट इतनी सारी चीजें फेवरेबल पॉलिसी बनाएगा तो एज एन MSME यू विल ऑल्सो बी इंटरेस्टेड इन टू सप्लाई मोर गुड्स इन इंडिया to produce more goods in India, samjha, therefore leading to an increase in the quantity supply. Uske baad hai natural conditions. Ab natural conditions jaise products like agriculture, okay, fruits, horticulture, animal husbandry, ye sari cheeze natural climatic conditions pe kafi influence rehti hai. India mein monsoon zyada hota hai, stock prices badh jate hai bahut companyon ke, to ye sari wo companies hai jo agriculture products pe deal karti hai, उनके स्टॉक प्राइसेस बढ़ जाते हैं बिकॉज नाउ वी नो दैट द गुड्स दैट द क्रॉप्स दैट विल बी प्रोड्यूस बाय देम विल हैव अ गुड हार्वेस्ट, तो ज्यादा गुड्स बनेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है, सो ये सारी चीजें नेचुरल चीज है, ओके, जैसे इंडिया हैज अ गुड ब्लेंड ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इंडिया में नेचुरल रिसोर्सेज भी है, यस, पेट्रोल नहीं है, ऑयल क्रूड ऑयल नहीं है इंडिया में जैसे यू नो मिडिल ईस्ट में, लेकिन बाकी रिसोर्सेज जो इंडिया में है, लोकेशनल एक्सटेंट जो हमारा ज्योग्राफिकल लोकेशन है, इट इज अ वेरी गुड लोकेशन, ओके, तो इंडिया में ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं ना एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, काफ़ी स्पाइसेस रहते हैं जो इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड, शुगर केन इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड,
तो ये नेचुरल रिसोर्सेज के वजह से हमारा यहाँ पे रेनफॉल ऐसा है, क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसा है विच प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ दीज प्रोडक्ट्स या दीज क्रॉप्स. ओके, तो अगर नेचुरल कंडीशन खराब रहेगा, जैसे अभी बाढ़ आ गई लास्ट ईयर, कितना बाढ़ आया था कोल्हापुर महाराष्ट्र वो सब, कितने क्रॉप्स के धचिया उड़ गए थे, तो सप्लाई क्या हो गया, लेस हो गया. ओके, और अगर नेचुरल कंडीशन प्रॉपर था, इट वॉज सपोर्टिंग द क्रॉप्स प्रोड्यूस, तो सप्लाई ज्यादा हो रहा था, सिंपल ऐसा. तो अगर फेवरेबल नेचुरल कंडीशन है, गुड क्लाइमेटिक कंडीशन है, तो सप्लाई बढ़ जाएगा. और अनफेवरेबल नेचुरल कंडीशन जैसे डिजास्टर हो गया, फैमिन हो गया, ज्यादा रेनफॉल हो गया, तो इससे क्या होएगा, क्वांटिटी ऑफ सप्लाई फॉल हो जाएगा. समझा? फिर ये सबसे ज्यादा होता है, ये सबसे ज्यादा होता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट द प्राइसेस. एज अ सेलर, सेलर लोग क्या करते हैं, वो लोग सोचते हैं कि जैसे सैनिटाइजर मास्क के लिए क्या हो रहा था, अभी तुमने ये सारी चीजें देखी है दो ढाई महीने पहले, जब नया नया लॉकडाउन चालू हुआ मास्क मिलना बंद हो गया, ऐसा हवा फैल गया कि मास्क ही नहीं है. एक्चुअली मास्क कब था, ये फार्मास्यूटिकल वाले उसको बेच नहीं रहे थे, केमिस्ट उसको निकाल नहीं रहे थे, क्योंकि दे वॉन्टेड टू क्रिएट अ शॉर्टेज ऑफ दीज गुड्स लाइक सैनिटाइजर्स, मास्क हो गया. ओके, उनको शॉर्टेज क्रिएट करना था, और जब शॉर्टेज होता है तो क्या होता है, महंगा हो जाता है प्राइस, और महंगा हो जाएगा तब वो लोग निकाल के बेचेंगे, कि जो मास्क जो 25 रुपए में बिकना चाहिए वो लोग 60 रुपीज में फिर बेचेंगे. समझ आया? क्योंकि अभी लोगों को डिमांड ज्यादा है, बट वो लोग ने सप्लाई का शॉर्टेज क्रिएट कर दिया, देयरफॉर दे वेटेड फॉर द प्राइसेस टू राइज एंड देन दे सप्लाइड द गुड्स. स्टॉक में माल पड़ा था फिर भी वो लोगों ने सप्लाई नहीं की. समझा? फिर गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया, ऑब्वियसली एक महीने बाद इंटरवीन किया, कि उतने टाइम पीरियड तक गवर्नमेंट को भी कट मिलता गया पैसों का. ओके, फिर ये लोग ने सैनिटाइजर का अपर लिमिट डाल दिया कि 100 रुपए से ज्यादा महंगा नहीं, मास्क का अपर लिमिट डाल दिया कि ये क्वालिटी का मास्क है तो इससे ज्यादा महंगा नहीं बिकेगा. समझ आया? सो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइसेस भी इफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है क्वांटिटी ऑफ सप्लाई इन द कंट्री. इसके अलावा और क्या चीज है कि भाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट कितना हो रहा है, इंडस्ट्री कैसा चल रहा है, अदर गुड्स का क्या प्राइसेस है, नेचर ऑफ मार्केट क्या है, ये सारी चीजें भी सप्लाई ऑफ गुड्स इन द मार्केट को इन्फ्लुएंस करती है. समझ आया तुम लोगों को? चलो, द नेक्स्ट टॉपिक इज लॉ ऑफ सप्लाई. अब तुम समझ ही गए रहोगे दैट द रिलेशनशिप बिटवीन price and the quantity supply will be mentioned in the law of supply. And ये भी अगर ध्यान है तो पता चल गया होगा that supply और price directly related है. Okay. Therefore, other things being constant, higher the price, more is the supply. Lower the price, less is the quantity supply. Okay. So in simple words, other factors remaining constant, a rise in the price results in a rise in the quantity supplied and vice versa. Therefore, there is a direct relationship between price and quantity supplied. ठीक है, जितना ज्यादा प्राइस होगा उतना ज्यादा क्वांटिटी सप्लाई में आएगा. अपने आप को सेलर के पोजीशन में डालो. समझ आया? फिर सप्लाई इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, ये सेम है assumptions of law. Assumptions क्या होते हैं, ये assumptions के बगैर लॉ ऑफ सप्लाई करेक्ट प्रूव नहीं होगा. लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, दैट जितना ज्यादा प्राइस उतना ज्यादा सप्लाई. ओके, अब देखो ये अजम्पशंस को हम लोगों को कांस्टेंट प्रूव करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होएगा, लॉ प्रूव गलत हो जाएगा. अब जैसे देखो, कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉल हो गया तो एक सेलर का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगा इवन इफ देयर इज नो चेंज इन द प्राइस. देयरफॉर a seller will be able yeah will want to sell goods at more quantities, he will want to sell goods more with more quantities even if there has not been any change in the price, kyunki cost of production same ho gaya. Therefore ye to law of supply ko invalidate kar raha hai, kyunki law of supply ne kya bola ki jab price badhega tab hi supply badhna chahiye, ya phir to price constant hai phir bhi supply badh raha hai, therefore cost of production ko बोल अज्यूम करना है कि इट इज अनचेंज. ओके, बिकॉज देखो पहले कॉस्ट था 40 रुपीज, सेलिंग प्राइस था 50 रुपीज, प्रॉफिट होता था 10 रुपीज, सेलिंग प्राइस सेम है. अब कॉस्ट कम हो गया है 30 रुपीज पे, प्रॉफिट हो गया है 20 रुपीज. ओके, सो विदाउट अ चेंज इन द सेलिंग प्राइस भी
क्या हो जाएगा, सप्लाई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसलिए हम अज्यूम करते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेम ही रहे, 40 ही रहे, समझा? नहीं तो तुम्हारा लॉ क्या हो जाता है, इनवैलिडेट हो जाता है, गलत प्रूव हो जाता है। फिर क्या है, कॉन्स्टेंट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। अब अगर टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन इंप्रूव हो गया तो क्या होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा तो सप्लाई बढ़ जाएगा, और सप्लाई बढ़ जाएगा विदाउट अ चेंज इन द प्राइस ऑफ द गुड्स। सप्लाई इसलिए बढ़ा क्योंकि गुड्स का प्रोडक्शन ज्यादा था, ना कि प्राइस में चेंज हुआ। तो ये क्या हो गया, लॉ इनवैलिडेट हो गया। क्यों इनवैलिडेट हो गया, बिकॉज हमने लॉ ऑफ सप्लाई में क्या कहा है कि सप्लाई तब बढ़ेगा जब प्राइस बढ़ेगी, यहाँ पे तो प्राइस बढ़ा नहीं, फिर भी क्वांटिटी सप्लाई बढ़ गया, therefore law becomes invalidated without this assumption, hence we have the assumption that the technique of production is constant. फिर weather condition change नहीं होना चाहिए, okay? अगर weather condition suddenly unfavorable हो जाता है तो quantity supply less हो जाता है, but जबकि price में कोई change नहीं आया है, फिर भी हमने क्या सीखा कि quantity supply less होता है जब price fall होता है, but यहाँ पे तो price fall नहीं हुआ, फिर भी quantity supply less हो गया, therefore it is assumed that weather conditions, natural conditions, ये सारी चीजें कांस्टेंट रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि अगर उसमें चेंज आता है तो क्वांटिटी सप्लाई में भी चेंज आता है विदाउट अ चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड। समझ आया? फिर है नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी। वापस गवर्नमेंट ने मान लो अभी एमएसएमई को सब्सिडी दे दिया, टैक्स हॉलीडे दे दिया, जहां पे उनकी दुकान है वहां पे लाइट बिल, वाटर टैक्सेस सब कम कर दिया। तो एक एमएसएमई वाला बंदा ज्यादा गुड्स बनाना चाहेगा क्योंकि गवर्नमेंट उसको सपोर्ट कर रहा है। एमएसएमई बंदा ज्यादा गुड्स क्यों बना रहा है, ज्यादा गुड्स बना के क्यों बेच रहा है रादर, बिकॉज वो प्राइस महंगा हो गया, क्या उसका सप्लाई प्राइस बढ़ गया? नहीं, गवर्नमेंट उसको बेनिफिट दे रहा है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज उसके लिए फेवरेबल हो गई है, इसलिए उसने सप्लाई बढ़ा दिया। बट लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, लॉ ऑफ सप्लाई तो कहता है कि प्राइस बढ़े तभी ही क्वांटिटी सप्लाई बढ़ना चाहिए, बट यहाँ पे तो हुआ नहीं, इसलिए हम अज्यूम कर रहे हैं कि गवर्नमेंट पॉलिसी में कोई चेंज नहीं आया। अगर ये अजम्पशन नहीं रखेंगे तो लॉ इनवैलिडेट हो जाता है, बिकॉज प्राइस तो सेम ही है, फिर भी एक एमएसएमई वाला बिजनेस क्वांटिटी सप्लाई को बढ़ा रहा है। समझ आया? फिर है ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। अगर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इंप्रूव हो जाए, ओके, अगर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम हो जाए तो तुम्हारा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाता है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाता है तो एक सप्लायर, एज अ सप्लायर यू अर्न मोर प्रॉफिट इवन एट द सेम अमाउंट ऑफ सेलिंग प्राइस। Therefore, you may increase the supply even if there is no change in the selling price of the product, which is then validating the law because the law says that a seller increases supply only if there is a increase in the selling price. यहाँ पे तो selling price में कोई change नहीं है, rather transport cost में changes है, तो इसके वजह से क्या हो रहा है, ये because of this point the law of supply is becoming invalidated. कौन सा point? Transport cost के change के वजह से law of supply invalidate हो रहा है, hence it is assumed that the transport cost remains constant. उसके बाद है price of other goods. अब मान लो तुम टेबल भी बनाते हो, चेयर भी बनाते हो, टेबल का सेलिंग तुम्हारा कॉस्ट है 100 रुपया, तुम बेचते हो 150 रुपये में, चेयर का कॉस्ट है 100 रुपया, तुम बेचते हो 150 रुपये में। अब तुम टेबल पहले ज्यादा बना रहे थे क्योंकि टेबल बनाना आसान था, तुम्हें मगजमारी नहीं हो रहा था, चेयर में थोड़ा मगजमारी ज्यादा है और प्रॉफिटेबिलिटी सेम है। अब मान लो चेयर का सेलिंग प्राइस मार्केट में शॉर्टेज है और चेयर तुम 250 रुपये में बेच पा रहे हो, तो अब तुम क्या करोगे, तुम टेबल का सप्लाई क्या कर दोगे, लेस कर दोगे, और तुम चेयर ज्यादा सप्लाई करोगे, इजंट इट? क्योंकि टेबल का सेलिंग प्राइस अभी भी 150 है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 100 है, चेयर का ऑन दी अदर हैंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 100 है और सेलिंग प्राइस 250 हो गया, सो यू विल सी द डिमांड फॉर टेबल हैज कम डाउन, सॉरी द सप्लाई फॉर टेबल हैज कम डाउन इवन दो देयर हैज बीन नो चेंज इन द सप्लाई प्राइस ऑफ द टेबल। टेबल तो पहले भी 150 में बिक रहा था, आज भी 150 में बिक रहा है, बट तो भी क्वांटिटी सप्लाई फॉर टेबल क्यों कम हो जाएगा और लोग चेयर क्यों ज्यादा बनाएंगे, क्योंकि चेयर में प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया है, चेयर का सेलिंग प्राइस बढ़ गया, तो इसलिए इट इज अज्यूम दैट द प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स रिमेन कॉन्स्टेंट, क्योंकि इफ द अदर गुड्स बिकम मोर प्रॉफिटेबल द सेलर विल द सप्लायर और सेलर विल ट्रांसफर ऑल हिज रिसोर्सेज इन द सेलिंग ऑफ अदर गुड्स, क्योंकि उसका प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है और अपना जो मेन प्रोडक्ट है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं उसका सप्लाई कम हो जाएगा क्योंकि उससे उतना प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। समझ आया? पक्का एवरीवन? हाँ। और इसके बाद है फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस नहीं है,
अगर सेलर अज्यूम करता है कि भाई फ्यूचर में और प्राइस बढ़ेगा, मान लो हैंड सैनिटाइजर वो सब के प्राइसेस में कैप नहीं डाला होता, अपर लिमिट नहीं डाला होता, तो अभी भी वो चीजें है ना शॉर्टेज में रहती है आज के डेट पर भी। और आज के डेट पर भी लोग और जो फार्मेसी वाले हैं वो लोग और गुड्स होल्ड करके रखते हैं उम्मीद में कि प्राइसेस और बढ़ जाएगा, फिर अपन निकाल के बेचें, समझा। तो प्राइस तो ऑलरेडी हाई है, 200 रुपया भी ऑलरेडी हाई था, ओके, बट फिर भी लोग सप्लाई नहीं कर रहे थे बिकॉज दे एक्सपेक्टेड दैट द प्राइसेस विल राइज इवन मोर, ओके, दे विल राइज इवन फर्दर। सो देयरफॉर इट इज अज्यूम्ड दैट लोगों का एक्सपेक्टेशन कुछ भी ना हो, अगर लोगों का एक्सपेक्टेशन कुछ भी ना नहीं होगा तो ही गुड्स हाई प्राइस पे सप्लाई होंगे। आज लोगों का एक्सपेक्टेशन था फ्यूचर के प्राइसेस पे, इसलिए प्राइसेस हाई थी, फिर भी क्वांटिटी सप्लाइड उतना ज्यादा नहीं था बिकॉज एवरीवन वांटेड टू होल्ड द गुड्स और प्राइसेस टू राइज इवन मल्टीपोल। आज तुम देखोगे हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, अभी भी काफी प्राइवेट हॉस्पिटल्स है जिन्होंने कोविड बेड्स नहीं डाले क्योंकि उनको उम्मीद है कि और शॉर्टेज होगा फिर अपन कोविड बेड्स डालेंगे। जहाँ पे अभी हॉस्पिटल 20,000 रुपए एक दिन का कमा रहे हैं, हम लोग 50,000 रुपए एक दिन का कमाई, समझा। तो इसलिए उनका क्वांटिटी सप्लाई इज लेस इवन इफ द प्राइसेस आर सो हाई, कभी 20 रुपया पर डे क्या कैंसर वाले ने भी नहीं भरा है, ठीक है। कैंसर वाले ने भी एक दिन कोई मीडियम क्वालिटी के हॉस्पिटल में 20,000 रुपया पर डे नहीं भरा, समझा। द प्राइसेस आर ऑलरेडी सो हाई, इन स्पाइट ऑफ दैट द सप्लाई इज नॉट हाई because people are expecting it will become more expensive in the few weeks to come, the cases to badh rahe and then we will supply more of it, samajh aaya। So therefore it is assumed that the future expectation about prices is zero। Par bhaiya agar samjho shortage hai, supply or goods ka shortage hai, par aise unhone book kiya tha na apna masks aur sanitizers, पर जो फार्मेसी वाला बेचेगा तो उसका तो मतलब प्रॉफिट होगा ना, उसको ज्यादा सप्लाई मिलेगा ना। हाँ, वो जब बेचेगा थोड़े टाइम बाद, अभी तुम देखोगे मैंने ये अपना एवरशाइन नर्सिंग होम से वो 25 रुपए का मास्क 2-2.5 महीना पहले 60 रुपए में लिया था, अब जाके पूछो तो 25 रुपए में बेच रहा है, गवर्नमेंट ने रूल्स लेके आ गया ना। नहीं नहीं, जब वो लोग ने शॉर्टेज बाकी सब लोग फार्मेसी ने बंद करके रखा और उसने बेचना चालू किया तो उसका तो प्रॉफिट ही रहेगा। हाँ, तो लोग तो निकाल ही रहे थे ना, लोग तो निकाल ही रहे थे ना बेचने को धीरे धीरे करके। तो देख, जिसको लग रहा था कि भाई ये चीज 60 रुपए से ज्यादा और जाने नहीं वाला, अभी 60 रुपया मिला बेच दो, उसने बेचा। जिसको लग रहा था और एक्सपेंसिव होने वाला है तो वो और होल्ड करके रख रहा था। नहीं, पर भैया अगर वो अभी से बेच रहा है तो फ्यूचर में भी अगर उसके पास में वही प्राइस में थोड़ा मिल रहा है या तो 19-20 का फर्क है तो अभी पब्लिक तो वहां से लेगा ना। हाँ, दैट इज अ सब्जेक्टिव थिंग ना। That is a subjective thing, ना? देख, अगर देख तेरे को अगर हवा है, क्योंकि हर जगह हवा ये है कि शॉर्टेज है कोई चीज का, तो यू विल कॉल अप योर मैन्युफैक्चरर वेदर यू हैव मास्क, वो भी बोलेगा ना नहीं सर शॉर्टेज है, वो भी बोलेगा ना शॉर्टेज है, वो भी निकालने को रेडी नहीं रहेगा ना। होलसेलर भी तो रोक के रखेगा ना माल को कि भाई और एक्सपेंसिव हो, तो तू भी तो एज अ फार्मेसी वाला तू भी तो रुकेगा ना कि ठीक है छोड़ अभी नहीं बेचते अपन, माल का भी गारंटी नहीं है, अभी मैं 60 रुपए में बेच दूं मतलब ही नहीं है, और रुक जाते हैं 100 रुपए होने दो फिर बेचें, इजंट इट। तो ये डायग्राम, अगर तुम डायग्राम देखो, इट इज अ अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। देखो 10 रुपया प्राइस है तो क्वांटिटी सप्लाइड 100 है, 20 रुपया प्राइस है क्वांटिटी सप्लाइड 200 है, 50 रुपया प्राइस है क्वांटिटी सप्लाइड 500 है। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। Direct relationship, okay, between price and quantity supply. समझ आया सबको? हाँ। और ऐसे slope को क्या बोलते हैं? Positive slope बोलते हैं, important FIB. Anyone any questions? नहीं भैया, मैं test कितने दोगे? बस अभी हो जाएगा अपना।